ये लोग अवैध वसूली कर रहा है, अवैध वसूली कर रहे हैं। पूछने पे ये लोग अनाकानी कर रहे हैं, फीस जमा करना होगा तो उस पर दिखाएगा 2400 रुपए, लेकिन आपकी फीस कटेगी 4800 रुपए। प्रचार जी प्रबंधक जी को लाभ पहुंचाने के लिए केवल उन्हीं के माध्यम से ये सारी चीजें की जा रही है, और लिया जाए अवैध वसूली कर लिया जाए वही हो रहा है। हमारे हम लोग की धैर्य की परीक्षा न ले कॉलेज प्रशासन, अन्यथा मैं 3 दिन और इंतजार करूंगा, उसके बाद यही धरना स्थल पर मैं आत्मदाह करूंगा। गाजीपुर जनपद के मैं आया हूँ, स्नातकोत्तर महाविद्यालय गाजीपुर। आप देखेंगे स्वर्ण जयंती द्वार है ये, और यहाँ से जनपद के विभिन्न इलाकों से बच्चे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। अगर हम कहें तो गाजीपुर जिले का ये हब है शिक्षा के क्षेत्र में, और यहाँ से पठन पाठन शुरू होते हैं। लेकिन सोचने का एक विषय है, अगर गुरुओं पर अगर वो बच्चे लगातार आरोप लगाते हैं, उन्नति श्रेष्ठ गुरुओं पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। सामने अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे लोग काली पट्टी बांध कर जिस तरीके से धरना दे रहे हैं, और मैं इनसे पूछूंगा, आप बगल में भी आप देखें तो यहाँ पे पोस्टर लगे हुए हैं, छात्र शक्ति छात्र एकता जिंदाबाद के नारे यहाँ से लगातार लगे हैं, और छात्रों ने बेबाकी से एक शांतिपूर्ण शांतचित्त तरीके से अपनी बातों को कहने का प्रयास किया है। जो पीजी कॉलेज के प्राचार्य हैं कि आप हमारी बातों को सुने, मांगों को सुने, क्योंकि छात्रों के हित में, छात्रों के हित में ये पहली पायदान की पहली सीढ़ी है, और मैं इनसे ही जानूंगा इनकी मांगे क्या हैं। लगातार आरोप भी लगे हैं जनपद के लिए। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों, तो ये सच में दुखदायी कष्टकारी विषय है। अगर ऐसे छात्र जो आने वाले कल के भविष्य हैं, जो आने वाले कल के पुरोधा हैं, अगर उनकी मांगों को हम न माने, जो छात्र इस समय बैठे हैं, जो भी यहाँ पे टीचर हैं, तो ये सर्वसार करता है। मैं सीधे आऊंगा, आप सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय। मेरा नाम दीपक उपाध्याय है, मैं पीजी कॉलेज से पूर्व छात्र संघ का उपाध्यक्ष रहा हूँ, और हम लोग छात्र हित में 32 सूत्री मांगों को लेकर धरना बैठे हैं। लेकिन आज धरने का 3रा दिन है, आज हम लोग सिर पर पट्टी बांध कर, काली पट्टी बांध कर विरोध दर्ज करा रहे हैं। दीपक, मूल बातें अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले तो छात्र संघ का चुनाव होना जरूरी है, क्योंकि ये छात्रों की ये नर्सरी है, यहीं से राजनीति की एक पाठशाला शुरू होती है। ये छात्र संघ का चुनाव कहीं भी सरकार ने रोक नहीं लगाया है, कहीं भी लिखित आदेश नहीं है, फिर भी ये महाविद्यालय जानबूझ के अनाकारी कर रहा है, ताकि छात्र संघ का चुनाव नहीं होगा तो कोई हमारा विरोध नहीं करेगा, और उसी के आड़ में ये लोग 3 साल से चुनाव नहीं हो रहा है, कोई कोरोना का बहाना, कोई निगरण का चुनाव का बहाना करके ये लोग अवैध वसूली कर रहा है। ऊपर से कोई ऐसा आदेश है क्या कि नहीं चुनाव नहीं होना? नहीं, कहीं भी आदेश नहीं है। हम लोग कई बार प्रचार जी से कहेंगे कि कोई आदेश आया है तो हम लोग को लिखित अवगत करा दीजिए, हम लोग शांत हो जाएंगे, लेकिन वो अवगत नहीं कराते, केवल बातों को गोल गोल घुमा रहे हैं। इस बार लिंगदो समिति की हम लोग सारी रिपोर्टें लिए हैं, हम लोग कोर्ट के भी दरवाजे खड़ा है। कोर्ट ने अगली बार कहा भी था, हाई कोर्ट ने, चूंकि हम लोग लेट में गए थे, अप्रैल में सत्र के शुरुआत में चुनाव कराना था, कोर्ट ने कहा था कि 2023-24 में आप नए सत्र में चुनाव करा लीजिएगा, लेकिन फिर भी कोर्ट की आनाकानी ये कर रहे हैं, कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं कॉलेज के प्रचार, और ये मनमानी तरीके से आज हम लोगों ने कुछ दिन पहले दबाव बनाया था तो इन्होंने डेट दिया था, लेकिन गोल मटोल डेट देते वो कह रहे हैं कि जिला प्रशासन अवगत रहेगा, जबकि लिंगदो समिति में साफ साफ कॉलेज के अधिकार क्षेत्र में है कि महाविद्यालय के प्रचार चुनाव की तिथि घोषित करके केवल जिला प्रशासन को अवगत कराएंगे कि हम इस डेट को चुनाव कराना चाहते हैं, आप हमें मतलब सुरक्षा व्यवस्था बनाएंगे। दीपक, धन उगाही का भी मामला आया है, तो मूल अगर मैं बातें अगर जो भी जनपद के लोग देख रहे हैं, मैं अगर आपसे पूछूं और मूल बातें आप जरूर बताएं। जी, मिड टर्म और व्यावसायिक पाठ्यक्रम के नाम पे ये लोग 500 रुपए की अवैध वसूली कर रहा है, जबकि उसका कोई बच्चों का कोई लाभ नहीं है। पेपर भी बच्चों को अपने 2 पन्ना अपने घर से लाना है कॉपी लिखने के लिए, और पेपर भी नहीं देना है, इन लोगों को ब्लैक बोर्ड पर मौखिक तौर पर बोल के लिखवाया जाएगा, ना टीचर को पैसा देना, तो 500 रुपए क्यों ले रहे हैं मिड टर्म का? उसको 5 रुपए भी ले सकते थे, 10 रुपए भी ले सकते थे, जब उसका लाभ बच्चों को दे ही नहीं रहे। दूसरा कि टीसी और सीसी के नाम पे ये लोग हम लोगों से कहते कि शुल्क लेंगे, फिर लिखित नोटिस जारी किया कि नहीं 30 रुपए लेंगे, लेकिन फिर भी ये 60 रुपए का मनमाना शुल्क ले, अपने नोटिस से बदल के 60 रुपए का मनमाना शुल्क कर रहे हैं, उसकी कम करने की मांग है। और अभी तो कोरोना काल था तो इनको फीस बढ़ानी नहीं चाहिए थी, ये कोरोना काल की आड़ में ये लोग छात्र संघ का चुनाव नहीं हो रहा तो इन्होंने मनमाने तरीके से 100 रुपए 200 रुपए 300 रुपए इसी तरह बढ़ाते गए, टोटल कुल मिला के 1000 रुपए की इन्होंने फीस वृद्धि कर दी है, और उसका कोई इनको हिसाब किताब नहीं। कोई ऐसा विश्वविद्यालय से पूछे? कोई नहीं, केवल केवल ये महाविद्यालय संबंधित है, और केवल ये महाविद्यालय अपने इसको विश्वविद्यालय को 1 रुपया इनको देना नहीं है, फिर भी ये अवैध वसूली कर रहे हैं। आप पूछने पे ये लोग अनाकानी कर रहे हैं। अभी भी आप वेबसाइट पे चेक करेंगे पीजी कॉलेज के, तो फीस स्ट्रक्चर जो आएगा वो 2020 का आएगा, और नई नीति 2023-24 चल रहा है। यदि आपको फीस जमा करना होगा तो उस पर दिखाएगा 2400 रुपए, लेकिन आपकी फीस कटेगी 4800 रुपए। सैकड़ों बार इनको मौखिक तौर पर कह दिया गया, ये तमाम समस्याएं हैं। इन्होंने एंट्रेंस भी करा लिया है बीपी का, और एंट्रेंस का रिजल्ट ही नहीं जारी कर रहे हैं, अब नवंबर में परीक्षा होगी, बताइए उनका पैसा वापस नहीं कर रहे हैं, जब आपको एंट्रेंस कराना ही करा के एडमिशन लेना ही नहीं था तो आपने एंट्रेंस क्यों कराया?
क्यों बच्चों को दौड़ाया बार बार उतनी दूर से, लाइब्रेरी की भी कुछ बात। हाँ, नई शिक्षा नीति के हिसाब से प्रथम सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर ऐसे सेमेस्टर वाइज परीक्षा हो रही है, तो किताबें भी बदल गई हैं, सिलेबस भी बदल गए हैं, लेकिन अभी भी किताब देखेंगे तो पहले के जमाने की किताबें सारी रखी हुई है। अब फीस के नाम पे किताब का हम लोग से शुल्क लिया जाता है, उसका कोई भी लाभ नहीं दिया जा रहा है। अगर चुनाव की मैं बात करूं, चुनाव होने चाहिए, चुनाव से ही आगे जो भी लीडर है या नेता है वो निकलते हैं, चुनाव पर क्या कुछ आया है आप लोग को आदेश के लिए चुनाव होंगे ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, केवल ये गुमराह कर रहे हैं। अभी बीच में हम लोग दबाव बनाए थे तो इन्होंने हम लोग को तो कहा था कि यदि परीक्षा नहीं होगी तो हम 1 से 7 नवम्बर के बीच में छात्र चुनाव करा लेंगे। हम लोगों ने डेट उनको खुद ही बताया था कि है 20 दिन आपको समय लगेगा, ये करा लीजिए, लेकिन उन्होंने मीडिया में ये बयान देते हैं कि बच्चों के दबाव में हमने कहा, जबकि मीडिया के माध्यम से मैं कुछ कहना चाहता हूं कि इनके यहाँ कोई लिखित आदेश आया है कि चुनाव नहीं कराना है तो आप हमको अवगत करा दें, यदि नहीं आया है तो आप क्यों इतनी देरी कर रहे हैं? जैसे आप एडमिशन की प्रक्रिया सारी चीजें अपने समयबद्ध तरीके से करते हैं, उस तरह चुनाव अपने समयबद्ध तरीके से क्यों नहीं किया, क्यों लापरवाही कर रहे हैं? अगर धन उगाही की दीपक बात हो तो क्या इसमें अध्यापक भी मुलबिस है? नहीं नहीं, केवल प्रचार जी, प्रबंधक जी को लाभ पहुंचाने के लिए केवल उन्हीं के माध्यम से ये सारी चीजें की जा रही हैं, और एक व्यक्ति विशेष की दुकान खुला के केवल ऑनलाइन के लिए उन्हीं के यहाँ भेजा जा रहा है। किसी एक व्यक्ति के एक पीजी का डिजिटल कैफे है, उसकी दुकान खुलवाई गई है, और कोई भी फॉर्म भरना होगा ना तो ऑनलाइन, आप ऑनलाइन का मतलब होता है घर बैठे कहीं से भी फॉर्म भरिए, लेकिन आपको आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, साइट को इतना स्लो कर देता है, साइट चलाने वाला ही का ही दुकान है वो, पीजी का साइट चलाने वाला, कई बार हमने विरोध कराया कहा भी, लेकिन वो उन्हीं के यहाँ भेजते हैं बच्चों को, बच्चे कहीं भी जाए। हाँ। सुगम पड़े कहीं भी अपना फॉर्म। हाँ। भरे, लेकिन यहाँ पे नहीं, वही... नहीं, तो वहाँ पे कमीशन जुड़ा हुआ है, कमीशन का मामला है कि छात्र संघ का चुनाव नहीं, कॉलेज प्रशासन का ही मान लीजिए कि प्रचारी जी इस प्रशासन चला रहे हैं। हाँ। कुल मिला के छात्र संघ का चुनाव न कराना है और आड़ में जितने भी खेल खेल लिया जाए, अवैध वसूली कर लिया जाए, वही हो रहा है। हमारे छात्र चुनाव कराया जाए, क्या कहेंगे भाई? देखिए, मेरा नाम आकाश कुमार चौधरी है, मैं मंत्री पद का प्रत्याशी हूँ। मैं यही कहूँगा प्रचार जी से कि जो जितने भी कॉमन रूम है उनको खुलवाया जाए, जो हमारी सुनेगा हम उसकी सुनेंगे, नहीं तो किसी का नहीं सुनेंगे। पूरे जो जितने भी विभाग है सबको ताला मारने का काम करेंगे, ये हम लोग की मांगे पूरी जायज है, ये पूरी होनी चाहिए। मैं सहले से छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर अगर छात्र संघ बहाली हो गया, अगर चुनाव होगा तभी हमारे कॉलेज में समस्या समाधान होगी। 3 साल से छात्र संघ का चुनाव बंद है, इसके कारण समस्याएं बढ़ती जा रही है, और हमारे प्रचार जी ना ही इनको लेना देना चुनाव से, ये अगर ये खुद चाहते हैं कि अगर चुनाव ना हो, इससे समस्याएं बढ़ रही है, और कोई प्रचार जी खुद समय से नहीं आ रहे हैं। तो जो चुनाव की बात हो रही है ना, ये बच्चे चुनाव हुआ तभी हम लोग का समस्या, छात्र ही छात्र की बातों को जानेंगे, उनकी जरूरतों को जानेंगे, उनकी कमियां क्या है, पटल पे धरातल पे क्या हो रहा है, तो ये वाजिब है, क्या कहेंगे भाई? हम लोग की सभी मांगों को, जो छात्र में सभी मांगे हैं वो सभी हमारे साथियों ने बताया, और आज 3 दिन हो गए हम लोग धरने पे बैठे हैं, कॉलेज प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रेंग रहा है, तो हम लोग की धैर्य की परीक्षा न ले कॉलेज प्रशासन, अन्यथा मैं 3 दिन और इंतजार करूंगा, उसके बाद यही धरना स्थल पर मैं आत्मदाह करूंगा। आपका पूरा नाम? मेरा नाम धीरज सिंह है, मैं अध्यक्ष पद प्रत्याशी हूँ। दोस्तों, ये विडंबना है, और सच में अब अगर आपका अपना पूरा परिचय। मेरा नाम आरती बिंद है, मैं अध्यक्ष पद प्रत्याशी हूँ। मैं यहाँ, हम लोग यहाँ 3 दिन पे, आज तीसरा दिन है धरने का, और यहाँ साइकिल स्टैंड की ये समस्या है कि जो बच्चे साइकिल स्टैंड मतलब साइकिल नहीं खड़ा करते उनकी भी शुल्क लिया जाता है, और जो बच्चे आते हैं उनका भी अलग से, कॉलेज अलग से लेते हैं, और यहाँ साइकिल स्टैंड खड़ी होती है वो अलग से टिकट लेते हैं। बस यही हम लोग का मांग है कि पूरी हो। बहुत सारी बातें इन युवा छात्रों ने रखा, जो आने वाले कल के भविष्य है। दोस्तों, यहाँ से ग्राउंड जीरो से मैं इसे दिखा रहा था, जरूर बात भी हम करेंगे आगे जो भी प्रचार हैं, लेकिन जब तक इनकी बातों को अनसुना या मानेंगे नहीं, हम आपको दिखाएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।